हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं मोकामा में मौजूद हूं। ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र है और देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाती है तो बाहुबलियों की वजह से कई बार ये विधानसभा चर्चा में रही है। वैसे भी बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का अक्सर जिक्र होता रहा है और चुनाव में तो खास तौर पर। आनंद मोहन एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी ने अब लालटेन थाम लिया है, यानी आरजेडी में वो शामिल हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि दरअसल इसके जरिए राजपूत वोटरों को लुभाने का प्रयास करेगी आरजेडी। एक तरफ लवली आनंद और दूसरी तरफ उनके बेटे चेतन आनंद, बीच में बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह। बिहार की राजनीति में यह तस्वीर एक नए समीकरण का संकेत देने के लिए काफी है। लवली आनंद अभी न तो विधायक है और न ही सांसद, लेकिन उनका ये पाला बदलना बिहार की कई विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण बदल सकता है। देखिए, हम आज पूरे तन मन से धन से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हो गए हैं। खुले मन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और ये कहने के लिए अपने लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थकों को, कि ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ये ने धोखा देने का काम किया है। आज जितने पुरुषार्थी हैं उनको जेल भेज करके, ये जेल भेज करके सरकार शासन चला रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। राजपूत वोट पाने की जो लड़ाई इस वक्त बिहार में चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव ने बड़ा किला फतह किया है। बिहार में करीब 5% राजपूत वोटर है। एक जमाने में राजपूत वोटरों पर लवली आनंद और उनके पति आनंद मोहन की मजबूत पकड़ थी। लवली आनंद के पति आनंद मोहन बिहार के चर्चित डीएम हत्याकांड में अभी जेल में बंद हैं। आनंद मोहन की रिहाई के लिए फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले समर्थक आंदोलन चला रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई के संकेत दिए थे, लेकिन कोई सुगबुगाहट होता नहीं देख आनंद मोहन की पत्नी और बेटे ने लालटेन को जलाने का बीड़ा उठा लिया है। लवली आनंद 1994 में वैशाली से सांसद रही हैं। पति आनंद मोहन 1996-98 में शिवहर से सांसद रहे हैं। लवली आनंद ने पिछला विधानसभा चुनाव यानी साल 2015 का एनडीए के टिकट पर लड़ा था। उस वक्त हमने उन्हें शिवहर से मैदान में उतारा था, लेकिन महज 400 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन वहां भी वे बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। लवली और उनके पति आनंद मोहन का सियासी सफर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लवली 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी में थी, 1996 में समता पार्टी, 1998 में राजपा, 1999 में बिहार पीपुल्स पार्टी, 2005 में जेडीयू, 2009 में कांग्रेस, 2014 में समाजवादी पार्टी, 2015 में हम और 2019 में कांग्रेस और अब 2020 में आरजेडी। सीधे तौर पर समझें तो सिर्फ बीजेपी और लोजपा जैसी बड़ी पार्टियां ही बाकी रह गई हैं। करीब 22 साल बाद लालू के सियासी दरबार में लवली आनंद की एंट्री हुई है। 1996 में समता पार्टी से सांसद बनने के बाद आनंद मोहन ने अपनी आस्था ही बदल ली। 1998 में लोकसभा चुनाव के वक्त वो गुजरात के राजपूत नेता शंकर सिंह वाघेला की राष्ट्रीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस चुनाव में लालू के समर्थन से आनंद मोहन सांसद बने, लेकिन साल भर बाद ही वो एनडीए में वापस लौट आए। 90 के दशक में जब आनंद मोहन बिहार के युवाओं का चेहरा बनकर उभरे थे, तब सियासी गलियारों में लवली आनंद को लवली भाभी के नाम से पुकारा जाता था। आनंद मोहन रहने वाले सहरसा के हैं, लेकिन सियासी कर्म भूमि शिवर रही है। आनंद मोहन और लवली आनंद की जोड़ी ने 90 के दशक में लालू की राजनीति की नाक में दम कर रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। लवली आनंद उस कहावत पर 100% सही उतरती है। दर्शकों को बता दें कि साल 1994 में मुजफ्फरपुर के बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। छोटन शुक्ला जेडीयू के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान तब गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णाया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इसी केस में आनंद मोहन पिछले 13 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लवली आनंद और उनके समर्थकों का आरोप है कि आनंद मोहन को नीतीश कुमार ही जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। अब लालटेन थामने के बाद लवली आनंद शिवहर से आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती हैं। बिहार में आज की राजनीति का दिन रहा तेजस्वी वर्सेस तेजस्वी के नाम। आपको बता दें, परिवारवाद की उपज तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए बिहार बीजेपी ने युवा मोर्चा की कमान तेजस्वी को दी है। तेजस्वी आज पटना में थे। आखिर बीजेपी का क्या है बिहार जीतने का तेजस्वी प्लान, आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मैं भगवान बुद्ध का कर्मभूमि बिहार को आ रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है, जरूर जीतेंगे। बिहार के चुनावी रण में इस बार युवा नेताओं के बीच जोर आजमाइश चल रही है। एक तरफ एनडीए को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, वो घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और युवाओं पर डोरे डालने के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर तेजस्वी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने कर्नाटक वाले तेजस्वी को बिहार के रण में उतार दिया है। मिलिए इनसे, ये है बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता और हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा की कमान संभालने वाले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी सूर्या ने अपने अंदाज में सबसे पहले वहां की धरती को प्रणाम कहा। कर्नाटक से आता हूं, उस धरती किधर बसवन्ना जी ने सामाजिक एकता का संदेश का उद्घोष किया था। आज मैं भगवान बुद्ध का कर्मभूमि बिहार को आ रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। इसके कुछ ही देर के भीतर बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने ट्विटर के जरिए किसानों के मुद्दे को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर जलाने वाला एक वीडियो ट्वीट किया और इसी बहाने विरोधियों को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठाया कि किसानों के ट्रैक्टर को जलाने की बजाय यूथ कांग्रेस को किसी किसान को ट्रैक्टर दान करना चाहिए। इसी के साथ तेजस्वी सूर्या ने लिखा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ विध्वंस जानती है। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उम्र 30 साल है तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने तेजस्वी सूर्या की उम्र 29 साल और बिहार में युवा वोटरों पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई है। इस बार मतदाता सूची में कुल 7,18,00,000 वोटरों में 3,66,34,000 युवा है। बिहार में 20 से 29 साल के वोटरों की संख्या 1,60,00,000 है, 30 से 39 साल के वोटरों की संख्या करीब 2 करोड़ है। तेजस्वी सूर्या की छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है। पटना पहुंचने से पहले तेजस्वी सूर्या ने अपनी यही झलक पेश की जब उन्होंने कहा कि बेंगलुरु आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। जाहिर है बीजेपी ने बिहार में उन्हें भेजकर युवाओं को साधने की कोशिश तो की है, साथ ही एक और निशाना साधने की कोशिश की है। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम वोट आरजेडी के खाते में जाएंगे, इसलिए हिंदू वोट पर कब्जे की कोशिश ध्रुवीकरण के जरिए की जाए और कहते हैं कि तेजस्वी सूर्या को कम उम्र में ही इसमें महारत हासिल है। और चलिए बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए से बाहर निकल जाएंगे, इसे लेकर बिहार की राजनीति में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो संकेत हैं एलजेपी से, वो चिराग पासवान के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि चिराग के बंगले में बगावत की आग लगने वाली है। बिहार की सियासत के ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर हर किसी की नजर है। एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान मची है उसमें चिराग पासवान का प्लान क्या है? क्या एलजेपी एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ेगी या फिर सीट बंटवारे पर कोई फॉर्मूला बन जाएगा जो सबको मंजूर होगा? इन तमाम सवालों के बीच खबर ये है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के 3 से 4 सांसद इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा जाए। सूत्रों का कहना है कि कुछ सांसद तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को एनडीए के साथ ही उतरना चाहिए। वहीं कुछ दबी जुबां में ये भी कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर चुनाव जीते हैं, चिराग के नाम पर नहीं। जाहिर है अंदर खाने की जो खबरें सामने आ रही हैं,
उसके मुताबिक एलजेपी में बिखराव की आशंका साफ नजर आ रही है। इन चार में एक सांसद रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस भी हैं। उन्होंने चिट्ठी जारी करके पार्टी में अंदरूनी दरार की खबरों का खंडन किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, पार्टी के सभी सांसद और नेता आखिरी दम तक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ हैं। मेरी आस्था और निष्ठा चिराग पासवान में है और उनके हर फैसले के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा। अहम बात ये कि चिराग पासवान खुद कुछ नहीं बोल रहे। खबर है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने चिराग से संपर्क भी किया था, लेकिन सीटों के नंबर पर बात अटकी हुई है। ऐसे में अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो एलजेपी अगले दो दिनों में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकती है। महागठबंधन से बाहर आ चुके उपेंद्र कुशवाहा एक अलग ख्वाब देख रहे हैं। उनकी नजर चिराग पासवान पर है कि अगर चिराग एनडीए से बाहर आ जाए तो वो चिराग और पप्पू यादव समेत कुछ अन्य दलों को मिलाकर एक नया मोर्चा बना ले। ऐसे में चिराग के सामने धर्म संकट की स्थिति है। एक तरफ पार्टी के सांसदों का अंदरूनी विरोध जिसे वो जाहिर भी नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने की वो हसरत जो उनके मन में लगातार पल रही है। जाहिर है बिहार की सियासत में आने वाले 2-3 दिन बेहद अहम है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और जैसा कि हमारा आपसे वादा है, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। इस वक्त मैं मोकामा में मौजूद हूं और मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मधुबनी में हैं। दिल्ली भी हम आपको लिए चलेंगे, प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जैनेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बिहार में जो गठबंधन हो या फिर एनडीए खेमा हो जो वहां पर सियासी खिचड़ी पक रही है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और पंकज, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आप भी लगातार बिहार यात्रा पर हैं, जरा ये बताइए एनडीए खेमे में चल क्या रहा है, सीटों को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है, खासतौर पर अगर मैं जेडीयू और बीजेपी के संदर्भ में पूछूं। देखिए, बीजेपी और जेडीयू के लेकर सीटों को लेकर कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर प्राइमरली एक्सरसाइज कर लिया है, लेकिन दोनों के बीच में सीटों के बंटवारे पर कि यानी कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी उसको लेकर अभी तय नहीं हुआ है। ये जरूर तय है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बड़े भाई के रोल में रहेगी अखिलेश, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था कि 50-50, ये फार्मूला वहां नहीं चलेगा। दोनों के बीच में एक्सरसाइज हो चुका है, अगले एक दो दिनों में सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन पेच जो फंसा हुआ है वो है लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी की एंट्री जो हुई थी वो बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी, उनको पहले से एहसास था कि हालात हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के सामने भी बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा पेच जेडीयू और बीजेपी में नहीं है, जो है वो चिराग पासवान को लेकर। मैं जी पंकज, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं प्रशांत से। प्रशांत, एलजेपी से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। प्रशांत, आज तो एक जानकारी ये भी आ रही है सामने कि अगर यही स्थिति रही बहुत दिनों तक एलजेपी में, अगर बात बनती नहीं दिख रही है तो कहीं घर में ही बगावत ना हो जाए, उनके किले में ही सेंध ना लग जाए, आपके पास क्या अपडेट है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? और जी देखिए अखिलेश, इस तरह की खबरें कल आई थी कि लोजपा के चार सांसद इस बात से नाराज हैं या वो ये नहीं चाहते कि वो एनडीए से बाहर आके चिराग पासवान चुनाव लड़े। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें मैं ये आपको बताऊं कि पिछले दो दिनों में, परसों भी और कल भी, एलजेपी के जितने सांसद हैं उनसे चिराग पासवान की बातचीत हुई है, उनसे संपर्क साधा गया है। और उसी का परिणाम था जब आपने देखा पशुपति पारस की एक चिट्ठी, सार्वजनिक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने इन खबरों का खंडन किया। इसी तरीके से लोजपा के सूत्रों का कहना है कि सभी सांसदों से अब बात हो चुकी है, बाकी जितने भी सांसद हैं, और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि जो भी फैसला होगा चिराग पासवान का उसको मानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सांसदों के रिजर्वेशन जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जानना भी जरूरी है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। जैनेन्द्र, कुछ सूचना है वहां पर, कुछ सीटों को लेकर बात बनी है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि आरजेडी के एक सूत्र ने हमें बताया है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, बहुत अहम है। अंतिम दौर की बातचीत कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है। लगभग 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के दोनों के बीच पेंच फंसा हुआ है। जो एक फार्मूला उभर करके सामने आया है सूत्रों के मुताबिक, उसके उस पर अगर यकीन करें
तो आरजेडी जो है वो 150 से कुछ ज्यादा सीटें लड़ सकती है, कांग्रेस जो है वो 70 के करीब उसको मानना पड़ेगा, और वाम दलों के लिए 20 सीटें छोड़ी गई हैं। तो हालांकि अब इसको महागठबंधन कहना कहां तक उचित होगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि महागठबंधन तो पिछली बार था, इस बार कांग्रेस आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन है। बातचीत लगभग तय हो गई है, इसी हफ्ते के आखिर तक ऐलान हो जाएगा। वक्त फिलहाल इतना ही है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सहयोगी पंकज झा भी मधुबनी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए गुप्तेश्वर पांडे यानी रॉबिन हुड पांडे राजनीति में नए नवीले हैं, लेकिन उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने मराठी अस्मिता से जोड़कर कैसे बीजेपी पर निशाना साधा है, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को जेडीयू में शामिल हो गए। अब खबर यह है कि पांडे जी चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा उठाकर बीजेपी जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने बिहार बीजेपी के चुनावी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले गुप्तेश्वर की उम्मीदवारी का विरोध करने की मांग कर दी। जिसने मुंबई पुलिस को बदनाम किया, उनकी अवमानना की और महाराष्ट्र को बदनाम किया, ऐसे गुप्तेश्वर पांडे जी को अगर जनता दल यूनाइटेड, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, वो पार्टी में प्रवेश देता है और उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाता है, तो इससे अफसोसजनक बात कुछ नहीं हो सकती। और ये निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो जाएगा। सुशांत केस की जांच के दौरान जब पांडे जी बिहार के डीजीपी थे, तब उन्होंने मुंबई पुलिस पर लांछन लगाए थे। अब फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हैं, उन्हें कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की भावना की याद दिलाई जा रही है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल आपसे जमुई में मुलाकात होगी, शाम 4 बजे मेरे साथ जरूर देखिएगा वहां से लाइव वार पलटवार।